आप राइट मारते हो तो वो है अस्टोटी रेलवे स्टेशन, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी भीमकोल। सो बजे है 11 और हम लोग पहुंच गए भीमकोल में। यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट हम लोग ऊपर जाने से पहले हम लोगों ने सोचा पहले अपना हाथ धो ले, तो मैं हाथ धोने के लिए इधर आया, यहाँ पे हाथ धोया। वहां पर मैं अभी नींबू शरबत एंड लिटिल बिट ऑफ भजिया खाऊंगा। वहाँ पे जो मैडम थी वो थोड़ी सी अनॉइड थी, आ गया था उनको बिकॉज कोई गेस्ट आए थे, भजिया ऑर्डर किया एंड चले गए और वो काट वाट के रेडी किया, तब तक लोग भाग गए। तो शी वॉज लिटिल हाइपर, तो मैं शांत हो जाओ, मुझे दे तो भजिया, मैं खा लेता हूँ। और क्या करें, अभी उनका एफर्ट भी वेस्ट हो गया, काट के करना पड़ता ना, और अभी ज़्यादा लोग भी नहीं आते हैं। तो जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर आया था, जूस पीऊँगा और उसके साथ भजिया खाऊँगा और फिर जाऊँगा भीमकोल की दर। हाँ काजू है, काजू फ्रूट दिखा। ओ वाह, कितना टाइम के बाद देखा यार, मैं इसे गोवा में ज्यादा देखता था मैं। मस्त है, इसको खुशबू देख, ये देख लाल, वाओ। ये अभी तक पका हुआ नहीं है। यस, पका हुआ नहीं है ना, काफी सारे हैं। सो कच्चा लेके जा सकते हैं क्या? लेके जा सकते हैं, लेकिन ये कच्चा भी वो लोग तोड़ के है ना, उसका अंदर का वो सीड निकाल के बेचते हैं वो लोग। अच्छा, अच्छा रहता है खाने के लिए, खाने के लिए अच्छा रहता है। और ये पकने को कितना टाइम लगता है? ये पकने के लिए अभी एक महीना जाएगा, वो फ्रूट पकने के लिए। फ्रूट पकने के लिए एक महीना। इसका सीजन होता है या कभी भी आता है? सीजन होता है सर, मार्च अप्रैल में। ये फ्रूट खा सकते क्या? ये ऊपर वाला जो होता है ये खाने का ही फ्रूट है, और इसका एक दारू निकालते है उराक बोल के। अच्छा, उराक उराक पता है गोवा में ज्यादा। वही पकने के लिए अभी एक दो महीना जाएगा। ओके, यहाँ पे काफी है। अपने कोड़ीबाग भी ज्यादा दिखा नहीं, मुझे ज्यादा नहीं दिखाई नहीं, कोड़ीबाग में नहीं है, इस तरफ है। इस तरफ है, वह जंगल की तरफ रहता है वो। और ये घोटेगाली है, राइट? घोटेगाली, घोटेगाली, सॉरी घोटेगाली भीमकोल, भीमकोल पता है, घोटेगाली में। ओके, और ये रहा हमारा ठंडा ठंडा जूस तैयार, लेमन जूस ठंडा है, मस्त पी ले भाई। फिर सोडा है ना, बहुत दिन के बाद सोडा पीने का मन कर रहा था। यहाँ पे रखे हम लोग ने, इसने भजिया भी लेके आया। ये भी काजू का झाड़ है, ये भी काजू का झाड़ है, ये भी काजू का झाड़ है। ये ताजा ताजा बनाया, इसलिए बहुत ही क्रिस्पी है। जो किसी का नसीब में उसी को मिलता है, उनको नहीं मिला मुझे मिल गया। भजी विथ, लोग चाय के साथ भजिया खाते हैं, हम लेमन जूस के साथ भजी खा रहे हैं। लेमन जूस, लेमन सोडा, कांदा भजी, क्रिस्पी 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 क्रिस्पी, वाह। सो अभी मैं आया हूँ स्टॉल में, ऑफकोर्स मैं जाने वाला हूँ अंदर, बट जाने से पहले, मतलब ये भीमकोल है, भीमकोल में जाने से पहले मैं ये स्टॉल में आया हूँ। एक्चुअली मैं जस्ट नींबू सोडा पिया और भजिया खाया, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ यू नो जड़ी बूटी है जो कि बहुत ही यूजफुल है, और वो इस जंगल से लेके आए उन लोग, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी यूजफुल फॉर पीपल फॉर वेरियस स्टफ। तो मैंने सुन लिया, लेकिन मैं उन्हीं से वापस पूछ लेता हूँ, और उनको अपना चेहरा नहीं दिखाना, इस वजह से मैं सिर्फ आपको ये जड़ी बूटी दिखाऊंगा। एंड आप सुन लेना, इफ यू वांट यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम हियर, और यू कैन कम हियर, यहाँ पे आ सकते हो, देख सकते हो। और ट्रांसलेशन के लिए मेरे पास एक बंदा है जो है संजय। ओके, ठीक है, ये है प्रतिमा गावकर फ्रॉम भीमकोल। शुगर का दवाई, शुगर का दवाई, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये संधिवात का है, और जॉइंट के लिए, संधिवात फॉर जॉइंट, जॉइंट पेन। ये धातु का है, धातु 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 मतलब क्या है? धातु का है, कौन का धातु? दांत के लिए, दांत का लिए। अच्छा, दांत के लिए, घिसने के लिए, घिसने के लिए। अच्छा, ओनली घिसने के लिए, पेन के लिए ऐसा कुछ नहीं है ना? ओके, ठीक है। ये क्या है? किडनी स्टोन का है, कमेंट का है, कमेंट जॉइंट, ये क्या है? पिंपल्स, ये पिंपल्स के लिए है। इसको किसा घिस के लगाने का? खाना खाने के बाद वो ऐसा सोने के टाइम घिस के लगाने का, उसका लेप लगाने का और सो जाने का, सुबह उठ के धोने का। ओके, तो कितना देर तक रखना चाहिए इसको फिर? वो रात भर, पूरा रात भर, पूरा रात भर। ओके, ठीक है। और जिसको चाहिए इस पैकेट में आपको मिल जाएगा, और आप उसको लेके जा सकते हैं। ये कुछ 100 ग्राम का है,
दुनिया है गोल और हम लोग आ गए हैं भीमकोल। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। फिलहाल मैं ऊपर जाके ड्रोन भी उड़ाने वाला हूँ, लेकिन जाते हैं, बहुत धूप भी लग रही है। चलो। So, ये कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज मैंने जस्ट देखा और बेस्ड ऑन दिस मैंने बाहर मेडिसिन कुछ ले लिया है। इट इज फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन। कुछ कुछ जो जड़ी बूटी यहाँ पर मिलती है वो उस यानी इसके बाहर एक काउंटर है वहां पे रखा गया है और मैंने वहां से ले लिया। फिलहाल यू कैन रीड फॉर डिफरेंट डिफरेंट राशि उनके लिए मेडिसिन जो है अवेलेबल है वहां पर। तो अभी आगे चलते हैं और चलते चलते आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ बटरफ्लाई भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे शायद बटरफ्लाई ज्यादा आते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप देख सकते हो। सम इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51A, पढ़ लीजिएगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। So, ये है आज झाड़ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो वहां पे बर्ड दिख रहा है अपने को, बर्ड ही है ना, आई डोंट नो, हाँ बर्ड है या पीकॉक है। कितना शांत है ये जगह। लैंडस्केप देखो ना कितना ब्लू है, ये स्काई जो है काफी ब्लू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑफकोर्स क्रोकोडाइल वोकोडाइल नहीं है। There are no crocodiles in this water, but you should not swim also. मैंने जस्ट अभी ये फोन अंडर वाटर डिप किया था और छोटे छोटे फिश आपको देखने को मिलेगी। सकाळी जाऊन असं आराम बसून सांजे बी मागीर न्हिदता आराम कटकट ना रोकड बजलो हिरो के हिरोइन है। ये हीरो है कि हीरोइन है पता नहीं चल रहा है मुझे, मेरी आवाज तो सुन रही है लेकिन ये मेरी तरफ देख रही नहीं है। शर्मा रही है के शर्मा रहा है तो जबरदस्त है ये तो पर्शियन कैट। डर रहा है अभी तेरे को देख के। अरे क्यों डर रहा है?
कल भी वहाँ से बात कर रहा था, आज वापस यहाँ पे रुका और यहाँ से वीडियो निकाल रहा हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हूँ मैं काली नदी ब्रिज के ऊपर खड़े होके देख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। मैं जब भी इधर आता हूँ शांति से खड़े होके देखता हूँ यहाँ से। वो आपको दिख रहा है बोट वहाँ से जा रहा है, वहाँ से आते हैं यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद वहाँ जाते हैं। कल वहीं पे मैंने ड्रोन उड़ाया था ऊपर से, और ऊपर से जो दिखता है बहुत ब्यूटीफुल। और काली रिवर गार्डन जनाबाद नंदनम जदा एंड उस तरफ है सुनकेरी और ये आइलैंड, और उसके पीछे जो है हमें रेलवे ब्रिज है। So viewers, today I'm here with Mr. Holliston D'Souza in Sunkeri Church. This is actually coming from the conversation which I had with Mr. Augustine Narona.